हेलो एंड वेलकम बैक टू ममताज क्रिएटिव कोजी नुक। फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बालकनी का जो मैंने मेकओवर किया है उसका वीडियो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया है इसको मेकओवर देने में। इसके जो चार कॉर्नर हैं मेरी बालकनी के, इनको मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से डेकोरेट किया है और बहुत एक्साइटेड थी कि कब मैं अपने व्यूअर्स के साथ इनको शेयर करूं। और टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मैंने इसके लिए किए हैं बहुत सारे DIYs। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ, फ्रेंड्स मैं हूँ ममता और मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे DIYs, स्पेस सेविंग आइडियाज़ और खुद से डिज़ाइन कर रहे हुए फर्नीचर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइफ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ममताज क्रिएटिव कोजी नुक। ओके, बिना देर करे हुए चलते हैं वीडियो की ओर, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी बालकनी का जो ये प्रीवियस लुक है, ये बिल्कुल स्टोर लाइक था, स्टोर की तरह इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर ये रहता था। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने जो सबसे पहले सोचा था इसके बारे में, तो इसमें मैंने आर्टिफिशियल ग्रास बिछाना ये प्लान किया था। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है ये आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी मिल सकती है। ये अलग अलग डेंसिटी में आती है और इसी के हिसाब से इसके जो प्राइस होते हैं वो डिफ़र करते हैं। हम लोगों ने इस ग्रास को इसमें परमानेंट फिक्स करने की नहीं सोची थी, क्योंकि साफ़ सफाई कभी करनी हो तो हम उसको उठा भी सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको बस अच्छे से वैसे ही बिछा दिया था, अच्छे से फिक्स किया ताकि ये अपना अच्छा सा लुक भी दे और साफ़ सफाई करने के लिए भी इजी रहे। नेक्स्ट मैंने खरीदे थे कुछ हैंगिंग प्लांटर्स, उनमें से कुछ मेटल के हैं और कुछ प्लास्टिक के हैं। तो इनमें मैंने डायरेक्ट कोई प्लांट नहीं लगाया ताकि उसमें वो रस्ट ना हो, तो उसके लिए मैंने कुछ टिन के जो कंटेनर्स थे उनको मैंने यूज़ किया है ताकि जब कभी भी हम प्लांट को चेंज करें तो रिपोर्टिंग के लिए वो इजी रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन कंटेनर्स को पेंट कर दूंगी। अभी ये मुझे लगा था कि प्लांट से हाइड हो जाएगा। ये देख सकते हैं जो ये डायरेक्ट लाइन वाली ये जो कॉर्ड आ रही है, ये तार यहाँ पे है, ये रेलिंग को बहुत ही गंदा सा लुक दे रहा है। तो इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ तो कर नहीं सकती हूँ ना, यहाँ पे मैं कोई प्लांटर भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि पानी ड्रिप होगा। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक DIY करूँ, कोई एक ऐसा प्लांटर बनाऊँ जिसमें मैं फेक प्लांट को हैंग कर सकूँ, या जो फेक क्रीपर होते हैं उसको मैं हैंग करके इसको हाइड कर सकती हूँ। इस केबल को हाइड करने के लिए मैंने एक ये टिन बॉक्स से, टिन का कंटेनर था, उसे पेंट करके ही बनाया है। और ये कुछ मैंने फेक क्रीपर्स ले रखी हैं, ऑनलाइन हैं, इनसे इसको कवर करती हूँ। साइड की वॉल है, ये पूरी व्हाइट वॉल मुझे मिली हुई है, तो सोच रही हूँ इसको कैसे डेकोरेट करूँ। सबसे पहले तो जो ये मैंने पहले नेल लगा के डैमेज किया हुआ है इसको रिपेयर करूँगी। इसके लिए मैं वाइट सीमेंट या वॉल पुट्टी यूज़ करूँगी, फिर देखते हैं यहाँ पे मैं क्या और कैसे डेकोरेट करूँ।
अब इस वॉल को कुछ डेकोरेट करने की मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, एक स्विच बोर्ड है, इसको मैं हाइड करने के लिए कुछ बनाऊंगी, इसका मैं बाद में देखूंगी। पर ये वाला जो एरिया है इसमें मैं कुछ क्रिएट करना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पे बैठने के लिए कोई टेबल वगैरह हो जाए तो मुझे अंदर से स्पेशली लेके ना आना पड़े। देखते हैं, अब ये मैं बनाऊंगी एक ड्रीम कैचर टाइप का, ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको हाइड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये लिया है, ये था हेडफोन का जो बॉक्स आता है उसका लिड था, उसको मैंने ब्लैक कलर में पेंट कर दिया है। और ये है पुरानी सीडीज, और ये हैं जो होली के टाइम पे वो फेस मास्क आते हैं, मुखौटे, तो उनमें ये बाल बने हुए रहते हैं, तो ये मैंने कलेक्ट कर रखे थे कि ये कभी काम आ जाएंगे। और ये है ग्लू, तो मैं इनमें सीडीज को पेस्ट करके और ये लगा के कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। मेरी इस बालकनी में कोई फर्नीचर नहीं है, बस जब कभी भी ज़रूरत लगी तो अंदर से हम चेयर ले आते हैं और उसको फिर वापस रख लेते हैं। बस कमी पड़ती थी एक टेबल की, टेबल बहुत बड़ा है, उसको बाहर नहीं लेके आ सकते थे, तो इसके लिए मैंने अपने कारपेंटर से एक वॉल माउंटेड टेबल बनवाई है, जिसको यूज़ करो और फिर फोल्ड कर दो। और इस तरह से मैंने एक बार फिर से अपने वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है। इस आर्च वाले एरिया के ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैंने एक स्टिकर मंगवाया हुआ है, ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से आता है। इसका कुछ पैटर्न है वो गार्डन से रिलेटेड है, इसमें अभी आपको शायद थोड़ा क्लियर नजर आएगा, और इसे जब मैं पेस्ट करूंगी तब उसके बाद आपको ये दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। और देखिए अब ये बन गया ब्यूटीफुल सा टी एंड कॉफी कॉर्नर, और मेरे चैनल के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा बैकड्रॉप भी बन गया है। आपको मेरे आने वाले वीडियोज में भी अब ये मोस्टली नजर आने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रास कम पड़ गई थी, इसलिए इस कॉर्नर को मैंने सोचा प्लांट से कवर करके और ब्यूटीफुल सा बना दूंगी। और यहाँ पर मैंने बर्ड फीडर हैंग करना चाहा, तो उसको हैंग करने के लिए फिर मुझे एक ड्राई ब्रांच मिली, उसको मैंने यहाँ पर बांध दिया। अब जो बांधा हुआ हिस्सा था वो अच्छा नहीं दिख रहा था, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने ये दो मेटल के बहुत ब्यूटीफुल से प्लांटर हैं उनको यूज़ किया है। और इसमें मैंने लगाई है क्रीपर्स, ताकि जब ये ग्रो करेंगी और अच्छे से, तो जो उसका बैकग्राउंड है बहुत हैपनिंग नहीं है, तो ये उसको हाइड भी कर देगा और ब्यूटीफुल सा भी बन जाएगा। आप यहाँ पर मेरी बुलेट के रिम से और उसके साइलेंसर से बनी हुई तोप भी देख सकते हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो कॉर्नर है बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड रहता था, तो इसको फ़िलहाल मैंने जो सामान मेरे पास था उसी से डेकोरेट कर रही हूँ। एक बहुत क्यूट सा बर्ड हाउस है, उसको मैंने रीपेंट किया है, उसको हैंग कर रही हूँ। एक मेरा DIY प्लांटर है, उसको यूज़ कर रही हूँ। और आने वाले वीडियोज़ जो होंगे उनमें मैं काफ़ी कुछ DIY करने वाली हूँ इस एरिया को डेकोरेट करने के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, पहले मैं इस बालकनी में आने से अवॉइड करती थी, सफाई करनी पड़ेगी, और अब मैं यहाँ आने के लिए बहाने ढूंढती हूँ। अपने कभी चाय लेकर आती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी मैं यहीं पे आती हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा
कॉर्नर सबसे ज़्यादा पसंद आया है या आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है, प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मुझे और मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए ममताज़ क्रिएटिव कोज़ी नुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।